एक ऐसा मुर्गा जिसका सिर ही नहीं था फिर भी वो जिंदा था, या फिर एक ऐसे मुर्गे की प्रजाति जिसके शरीर पर पंख ही नहीं होते हैं। क्या आपने कभी दुनिया के सबसे काले चिकन को देखा है जिसके शरीर और पंखों के साथ साथ उसका मांस हड्डी और खून भी काला होता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही दुनिया के 5 सबसे अजीब चिकन ब्रीड्स को देखने वाले हैं, तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। उससे पहले अगर आप ये वीडियो इंडिया से देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप ये वीडियो पाकिस्तान या किसी और देश से देख रहे हैं तो अपने देश का नाम कमेंट करें। तो देरी न करते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5, फेदरलेस चिकन। दोस्तों मुर्गे की यह प्रजाति काफी अजीब है क्योंकि इस मुर्गे के शरीर पर कोई भी पंख नहीं होता है, इसलिए अगर आप इसको पहली बार देखेंगे तो ये सोचेंगे कि ये किसी दूसरे ग्रह का प्राणी है, या फिर ये सोचेंगे कि इसी मुर्गे के पंख उतारने के बाद ये कैसे जीवित है। दोस्तों मुर्गे की इस प्रजाति को 20 साल पहले इंसानों द्वारा ही बनाया गया था। इसके बिना पंख के पीछे की वजह भी काफी इंटरेस्टिंग है। दरअसल इस नस्ल के चिकन काफी तेजी से बढ़ते हैं जिसके लिए ये काफी ऊर्जा कंज्यूम करते हैं, और इस वजह से इनके शरीर में काफी हीट निकलती है, इसी वजह से गर्म देशों में ये अधिक गर्मी से मर जाते हैं। यही कारण है कि इनको बिना पंखों के बनाया गया ताकि इनको गर्मी से बचाया जा सके। नंबर 4, ओनागा डोरी चिकन। दोस्तों मुर्गे के इस प्रजाति को अगर आप पहली बार देखेंगे तो आपको एक शाही पक्षी की तरह लगते हैं। इसकी वजह यह है कि इन मुर्गियों की पूंछ काफी लंबी होती है, और इनकी पूंछ की लंबाई 12 मीटर तक हो सकती है, और इनकी पूंछ एक साल में 3 मीटर तक बढ़ सकती है। ये मुर्गे जापान देश में पाई जाती है जहाँ पर इस चिकन को एक राष्ट्रीय संपदा माना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मुर्गे को खाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इन मुर्गियों का उपयोग सिर्फ डेकोरेशन में होता है, और ये मुर्गियाँ मुख्य रूप से 3 रंगों में पाई जाती हैं। नंबर 3, डोंग टाओ चिकन। दोस्तों डोंग टाओ नाम सुनकर आप यही सोच रहे होंगे कि ये कोई मार्शल कलाकार का नाम है, लेकिन जब आप इस चिकन की प्रजाति को पहली बार देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये कोई मार्शल कलाकार है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इसके मांसल पर जो कि एक इंसान के कलाई जितने मोटे होते हैं। चिकन की यह ब्रीड वियतनाम में पाई जाती है। इस चिकन को डोंग टाओ के अलावा ड्रैगन चिकन के नाम से भी जाना जाता है। इस मुर्गे का मीट काफी महंगा होता है। इस एक मुर्गे की मीट की कीमत वियतनाम में $200 है। नंबर 2, नेकेड नेक चिकन। द किंग बैग नेकेड नेक के नाम से मशहूर इस चिकन को जब आप पहली बार देखते हैं तो आप इसे पहली बार देखने पर डर सकते हैं, क्योंकि इस चिकन का शरीर ही ऐसा होता है, क्योंकि चिकन की स्पीड के गले में कोई भी पंख नहीं होता है, इसीलिए इसे आसानी से अन्य मुर्गियों में आप पहचान सकते हैं। इस मुर्गी को टर्की नाम से भी जाना जाता है क्योंकि लोगों को मानना है कि यह टर्की की प्रजाति की पक्षी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये चिकन की प्रजाति है। चिकन की यह प्रजाति मुख्य रूप से रोमानिया तंजानिया में पाई जाती है। नंबर 1, आयाम सिमानी चिकन। आयाम सिमानी मुर्गे की प्रजाति दुनिया के सबसे काले मुर्गे की प्रजाति है, क्योंकि मुर्गे की इस प्रजाति में इनके पंख त्वचा का रंग ही नहीं बल्कि हड्डियों और मांस का रंग भी काला होता है, और यहाँ तक कि इनका खून भी काला होता है। इन मुर्गों के इतने काले होने के पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि इन मुर्गियों में एक जीन के परिणाम स्वरूप इनके शरीर में हाई पिगमेंटेशन देखने को मिलता है, जिसे हाइब्रिड मेलानोसाइट कहते हैं। चिकन की यह ब्रीड मूल रूप से इंडोनेशिया में पाई जाती है। इस चिकन की कीमत सुनकर आप चौंक सकते हैं, क्योंकि इस चिकन की कीमत $2500 है, जो कि इंडियन रुपीज में ₹2,00,000 होते हैं। तो दोस्तों ये थे दुनिया के 5 सबसे अजीब चिकन। गाइस वीडियो में 500 लाइक कंप्लीट करवा दीजिए, आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।